आईआईटी कानपुर से कई बड़ी हस्तियों ने पढ़ाई की है। इन्हीं हस्तियों में से एक हैं इंडिगो के को-फाउंडर राकेश गंगवाल। इंडिगो को देश की बड़ी एयरलाइंस बनाने का श्रेय राकेश गंगवाल को ही जाता है। राकेश गंगवाल को एविएशन इंडस्ट्री का बड़ा अनुभव है। वो अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस और यूएस एयरवेज के कई बड़े पदों पर रहे हैं। राकेश गंगवाल ने इंजीनियरिंग की डिग्री आईआईटी कानपुर से हासिल की है। करीब 46 साल बाद राकेश गंगवाल ने फिर से आईआईटी कानपुर से अपना नाता जोड़ा है। राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर को 100 करोड़ रुपए का दान दिया है। इतनी डोनेशन से आईआईटी कानपुर के कैंपस में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। आईआईटी कानपुर भी अपने पूर्व छात्र के इस सहयोग के लिए गंगवाल स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम देगा। इसके लिए राकेश गंगवाल और संस्थान की तरफ से डायरेक्टर प्रोफेसर अभय करिंदकर के बीच मुंबई में समझौता हुआ। इसके तहत राकेश गंगवाल 100 करोड़ रुपए की मदद देंगे। ये बात इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के संस्थानों को दी गई ये अब तक की सबसे बड़ी सहयोग राशि है। इसके अलावा राकेश गंगवाल को स्कूल के एडवाइजरी बोर्ड में भी शामिल किया जाएगा। स्कूल को दो चरणों में तैयार किया जाएगा। पहले फेज में 500 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल और सर्विस ब्लॉक बनाया जाएगा। इन्हें 3 से 5 साल में तैयार करने की योजना है। दूसरे चरण का काम 7 से 10 साल में पूरा किया जाएगा। इस फेज में हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ाकर 1000 बेड की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा क्लिनिकल डिपार्टमेंट, रिसर्च एरिया को भी बढ़ाया जाएगा। राकेश गंगवाल इंडियन अमेरिकन उद्योगपति हैं। इंडिगो के को-फाउंडर के रूप में उनकी पहचान है। इंडिगो को देश की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाने का श्रेय उनको ही जाता है। राकेश का जन्म 1953 में हुआ था। गंगवाल ने अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को स्कूल कोलकाता से की। इसके बाद साल 1975 में वह आईआईटी में सेलेक्ट हुए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। फिर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल से अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की। राकेश गंगवाल को एविएशन इंडस्ट्री का 40 साल से ज्यादा का अनुभव है। साल 1980 में राकेश गंगवाल ने एयरलाइंस इंडस्ट्री में कदम रखा था। उस समय गंगवाल बूज एलन और हैमिल्टन इंक के सहयोगी थे। फिर यूनाइटेड एयरलाइंस में मैनेजर और स्ट्रेटेजिक प्लानर के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड एयरलाइंस के सीईओ तक का सफर तय किया। गंगवाल ने साल 1998 से लेकर 2001 तक यूएस एयरवेज ग्रुप में सेवाएं दी। फिर साल 2003 से 2007 तक वर्ल्ड स्पैन टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी भी गंगवाल ने संभाली। 2007 में राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने इंडिगो की शुरुआत की। इंडिगो की शुरुआत लो कॉस्ट मॉडल पर हुई। शुरुआत में राकेश गंगवाल ने अमेरिका में बैठकर ही इंडिगो का कामकाज संभाला और इसे भारत की बड़ी एयरलाइन बनाया। अब आईआईटी कानपुर को 100 करोड़ रुपए का दान देकर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं।